सरकार बीजेपी की बनेगी में नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। आज वो हारेंगे, मोदी कहाँ होंगे? आप उनको 1500 रुपया में आप जो है गन्ने का जूस समझ रखा है, लेकिन ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े जो करोड़ रुपया जिसके पास है वही पढ़ सकता है। जहाँ भेदभाव है वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो क्या हमारे भारत के अंदर भेदभाव नहीं है? सरासर झूठ है, सरासर जुमलाबाजी है। ठेकेदारी प्रथा में जो है हमारी दिल्ली सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों आगे बढ़ रही है, इस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश बढ़ रहा है, उसके विरोध में यहाँ के जो ठेकेदार से जो लोग वर्कर हैं जिनको समय पे पैसा नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, जो उनको जो वेतन जो पूरा रखा है वो नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल में हम आपको ये बात को पूरा करना चाहेंगे कि बिहार के अंदर स्कूल के अंदर खाना खिलाया जाता है तो रसोईया जो खाना बनाता है उसको दिया जाता है 50 रुपया खाना बनाने का एक दिन का, तो एक दिन का 50 रुपया दिया जाता है, महीना कितना हुआ 1500 रुपये में, तो 1500 रुपया महीने में वो पूरा जो है 8 घंटे की ड्यूटी करे, वो घर परिवार कैसे चलाएगा? आप 45 करोड़ के घर में रहोगे, आप गाड़ियां और बंगले का मजा लोगे, आप जो है एरोप्लेन और देश विदेश में करोड़ों रुपया भ्रमण में खर्चा करोगे, और हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो बहु बेटियां हैं जो मेहनत करती हैं, जो खून पसीना बहाती हैं, आप उनको 1500 रुपया में आप जो है गन्ने का जूस समझ रखा है कि गन्ने की तरह उसको पेरेंगे? तो इसी के लिए ये एक प्रोग्राम है, एक दशा दिशा दिखाने की प्रोग्राम है। इसमें हमारे गोलाम सरवर साहब, हमारे एडवोकेट, हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप जी हैं, महमूद प्राचा जी हैं और लोग आ रहे हैं। मैं ह्यूमन राइट्स का हूं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूं, लेकिन सभी साथी हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, इसकी हम लोग विरोध। प्राइवेटाइजेशन से तो विकास होता है ना देश का? प्राइवेटाइजेशन से विकास होता है, लेकिन वो जो है विकास अगर हमें बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा हो, भूखमरी की तरफ ले जा रहा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य को ख़त्म कर दिया जा रहा हो और चंद कुछ ग्रुप को उसको जो है फ़ायदा उठ रहा हो, आज जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े जो करोड़ रुपया जिसके पास है वही पढ़ सकता है, गरीब बच्चा क्या आप पढ़ सकते हो? आप ये जो हमारी सरकार ने मुद्रा योजना लाया कि नौजवानों को 10 लाख रुपया हम देंगे, किन को मिला? सिर्फ अपने कार्यकर्ता को, बीजेपी अपने कार्यकर्ता को। सरकार तो कह रही है 8 साल में 7 लाख नौकरी दे दिया उन लोगों ने। सरकार ने कहा कि मैं 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा, सरकार कहा कि मैं ब्लैक मनी दूंगा, सरकार कह रहा है हर नौजवानों को खुशहाल करूंगा, अभी अमेरिका में जाके कहा मानवाधिकार है, जहाँ है वहीं लोकतंत्र है, तो हमारा मानवाधिकार कहाँ है? वो कहते हैं भेदभाव नहीं होगा, जहाँ भेदभाव है वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो क्या हमारे भारत के अंदर भेदभाव नहीं है? अरे चलिए आपको दूर नहीं ले जाते हैं, आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे 2 कम्युनिटी लड़ रहा है, आप उसको देख नहीं रहे और कह रहे हैं कि भेदभाव जहाँ होगा वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, सरकार खुद कह रही है, आप सरकार की कि वो वक्तव्य की बात कर रहा हूँ कि वो जो कह रही है क्या वो उसमें सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, वो सरासर झूठ है, सरासर जुमलाबाजी है। और वो कहते हैं मानवाधिकार के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता, तो आप मुझे बताइए कि बहु बेटियों के साथ रेप क्यों हो रहा है, वो अपने ही नेताओं को बचा क्यों रहे हैं, मुझे बताइए ना। आप जो है जात पात ऊंच नीच की बात क्यों कर रहे हैं, आप जो है मंदिर मस्जिद और मुसलमान हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं, आप समानता की बात कीजिए ना। समानता की बात कर रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं। भारत इसमें किसका, वो जो है प्राइवेटाइजेशन वो कॉरपोरेट हाउस के हाथ में दे रखा है, वो कॉरपोरेट हाउस के हाथ में दे रखा है, और वो जो है वो मनी जो पैसा है आज जो है कॉरपोरेट जिस तरह से इस इंडिया कंपनी बनाई और वो बिजनेस किया और बिजनेस करके पूरे भारत में राज किया और पूरा यहाँ से लेके गया, तो भारत बिखर जाएगा। मोदी जी 302 कहिए, एक तो खुद है तो 302 जो धारा जो लगता है मर्डर का, 302 सांसदों के चहेते बने हुए हैं, वो अंधभक्ति जिसको हम लोग कह रहे हैं, गोदी मीडिया और गोदी सांसद कह रहे हैं उनके हैं, आज वो हारेंगे मोदी कहाँ होंगे? मैं मोदी जी की प्रश्नों को दुश्मन नहीं हूँ, मोदी जी को जयकार मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा कि आप
देश के प्रधानमंत्री समानता के रूप में, चाहे आप दलित हैं, चाहे शोषित हैं, चाहे पिछड़ा है, 350 सीट आ रही इस बार, 350 सीट। आप देखिएगा कि 200 से भी नीचे लाले पड़ जाएंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान मैंने चलाया और इसी जुनून में मैंने 18 से 19 लाख रुपया जाकर के कर्नाटका में खर्चा किया। मुझे कोई लेना देना था नहीं था, मुझे लीडर वहाँ नहीं, लीडर नहीं बना था, लेकिन नहीं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं, मैं ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स का आदमी हूँ और ह्यूमन राइट्स पर मैं काम करता हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट। 9 साल हो गया अपोजिशन एक मंच पर नहीं आ पाया, बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग। हम यही, लेकिन अब ओपोजिशन नहीं आएगी तो वो भी हारेंगे, उसमें गलत लोग हैं हारेंगे। अब नया जन आंदोलन, जन क्रांति पैदा होने वाला है, युवाएं आएंगे, महिलाएं आएंगी और जो लोग हैं, हमने कहा भारत के अंदर हम महिलाओं को 50% और 50% युवाओं को लेकर के एक नई क्रांति बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बस हम देख रहे हैं कि ये 12-13 जो है जुलाई का ये शिमला का ये गठबंधन की जो फाइनल हो जाए, अगर नहीं होता तो एक नई क्रांति शुरू होगी, लेकिन बीजेपी सरकार 2024 में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। वाले कह रहे हैं मोदी से, टीवी वाले कह रहे हैं जब मोदी से हार गए आप लोग, अल्पसंख्यक के सहारे आप लोग हैं। टीवी कौन, आपने नस्तक दस्तक साहब मुझे बताइए कि जो गोदी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो उनका खरीदा हुआ लोग है, जो अडानी अंबानी और रामदेव बाबा का चैनल्स है वो दिखा रहे हैं ना, लेकिन आज हमारी जो लाखों सोशल मीडिया है, आप उनको कहते हो वो मीडिया ही नहीं है, आप उस पर केस कर रहे हो, आप उनको जेल भेज रहे हो, आप उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट में थाने में आप ह्यूमिलेट कर रहे हो, तो ये आज़ादी क्या आर्टिकल 19, क्या आर्टिकल 21 आज़ादी के हमारा नहीं है? क्या हम लोग बोलने की हक नहीं रखते? क्या हमारा ये जो सोशल मीडिया दिन रात एक एक रुपया के लिए भागता है, बेचारे के पास रुपया भी नहीं मिलता और वो दिन रात काम करता है, तो क्या ये गोदी मीडिया मदद भी नहीं करता सोशल मीडिया वालों की? तो बिल्कुल हम मदद कर रहे हैं, अभी हमने 4 जून को 80 मीडिया वाले को अवार्ड दिया, ऑनर किया है, और हम आने वाले 12 अगस्त को 400 मीडिया को अवार्ड देने जा रहे हैं। इनको हम पूरा ह्यूमन राइट्स का फ्री में मेंबरशिप देंगे, उनको टैग देंगे कि आपको अगर कहा जाता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप दिखाना कि मैं ह्यूमन राइट्स का हूँ, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं बिना जात पात का, बिना भेदभाव का, मैं देश की कल्याण की बात करना चाहता हूँ और फंडामेंटल राइट्स की बात करना चाहता हूँ, अपनी अभिव्यक्ति की बात करना चाहता हूँ। और इस तरह का जो ये लोग, जो चाहे वो ठेकेदारी में हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे मंसर हो, हिमाचल का वीडियो वायरल हो रहा है, उत्तराखंड में वायलेंस की घटना है, उन्हें कैसे देख रहे हैं आप? मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, जो आप लोग कह रहे हैं बीजेपी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 16 राज्यों में आप बीजेपी हो कहां? तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटका में हो, आप मध्य प्रदेश में एक हो जो भी खत्म होने वाला है, आप गुजरात में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप बंगाल में हो, तो कहाँ हो?